हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ अंकिता डिमर फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। नाउ चैप्टर 13, वे टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। यहाँ पे हमें प्रैक्टिस टाइम में बेला मेथड का हम यूज करके मल्टीप्लाई किया था नंबर का। ओके, अब आपको ये एग्जाम्पल होमवर्क में दिया था, आपने किया है तो हम करें। यहाँ पे डू दिस इन योर नोटबुक, यूज बेलास मेथड। फर्स्ट है 47 × 19। ओके, 47 को हम 19 के साथ मल्टीप्लिकेशन हमें करना है, तो हम कैसे करें? तो 90 है ना, तो हम 10 + 9 लिखेंगे, फिर 47 का 9 के साथ मल्टीप्लिकेशन और सेकंड 47 का 10 के साथ। फर्स्ट हम 47 का 9 के साथ मल्टीप्लिकेशन करके 9 के साथ और 47 का 10 के साथ, तो क्या होगा? 47 का 9 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। 7 × 9 = 63, 3 × 3 = 6, कैरी ऑन। 4 × 9 = 36, 36 प्लस हमें 6 करना है तो क्या होगा? 42। तो ये हमारा हो गया 423। फिर क्या करना है? 47 का 10 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पे लास्ट में 0 है, 0 एज इट इज, और 47 × 1 47 होगा, और दोनों का एडिशन करना है। 3 + 0 = 3 होगा, 2 + 7 = 9 होगा, एंड 4 + 4 = 8 होगा। ओके, इजीली है, कुछ भी नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 188 × 91। ओके, तो यहाँ पे 91 है ना, उसका हम क्या करेंगे? 90 + 1। फर्स्ट हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 के साथ, फिर 90 के साथ। ओके, 188 × 90, लास्ट में 0 है, 0 एज इट इज, और 188 का हम 9 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर हमारा क्या होगा? तो आपको पता है 8 × 9 क्या होता है? 72, 2 एज इट इज 7, कैरी ऑन। 8 × 9 = 72। ओके, प्लस 7 यानी क्या होगा? 79, 9 एज इट इज 7, कैरी ऑन। 8 का 9 के साथ मल्टीप्लिकेशन, 9 प्लस 7 क्या करेंगे? 16 होगा। तो यहाँ पे 2, 9, 6 and 1 एडिशन करेंगे, 8 + 0 = 8, 8 + 2 क्या होगा? 10, 0, 1 कैरी, 1 + 1 = 2, 2 + 9 = 11 होगा, 1 as it is, 1 कैरी ऑन, 6 + 1 = 7, 1 as it is, तो ये हमारा हो गया आंसर। ओके, नेक्स्ट आपको ये होमवर्क में करना है। ओके, मैं आपको इसी तरह से हर एक एग्जांपल करना है। नेक्स्ट सी में क्या है? 63 × 57 है ना, तो 57 का 50 + 7 करेंगे, और फर्स्ट क्या करना है? 63 का 7 के साथ मल्टीप्लिकेशन, नेक्स्ट 63 का 50 के साथ मल्टीप्लिकेशन, और दोनों का एडिशन करेंगे तो आंसर हमको इजीली मिल जाएगा। डी पार्ट में क्या है? 225 × 22, 22 यानी 20 + 2 लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन 225 को 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर नेक्स्ट 225 को हम 20 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है और ऐड करना है। ओके, नेक्स्ट ई क्या है? 360 × 12, तो यहाँ पे 10 + 2 होगा, 12 होगा ना। ओके, फिर 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन 360 का,
फिर 10 के साथ मल्टीप्लिकेशन और दोनों का क्या करना है, एडिशन करना है। नेक्स्ट है 163 × 42। 40 + 2 करेंगे, फर्स्ट 2 के साथ और फिर 40 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन करना है और हमें आंसर इसीलिए मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, सांताराम स्पेशल कुक। ओके, सांताराम इज अ स्पेशल कुक हु कम्स ओनली ऑन पार्टी डे। सांताराम स्पेशल कुक है जो वो है ना, वो पार्टी डे में आता था। लास्ट ईयर ही वॉज कॉल्ड फॉर ओनली 28 days। लास्ट ईयर वो 20 days आया था। फॉर इस डे ही हैज टू बी पेड ₹165। हर एक दिन जो था उसकी जो सैलरी है वन दिन की ₹165 थी। एक दिन की जो सैलरी थी वो ₹165 थी। फाइंड आउट हाउ मच मनी ही विल गेट इन ऑल। तो हमें फाइंड आउट हाउ मच मनी ही विल गेट इन ऑल। ओके, तो हमें फाइंड करना है लास्ट ईयर की उसकी जो सैलरी है। तो आपको पता है कि यानी 28 days की, सॉरी यहाँ पे वन दिन की सैलरी 165 है, हमें फाइंड करना है 28 days की सैलरी। तो कैसे फाइंड करेंगे, इजी है, कुछ भी नहीं करना है। फर्स्ट वन डे यानी सैलरी कितनी है कुक की, 165। ओके, टू डे की कितनी होगी, तो 165 को 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। 3 days की कितनी होगी, 165 को 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हमें फाइंड करना है सो ऑन 28 डे, तो 165 को हम 28 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो आंसर हमारा इजीली मिल जाएगा ना। ओके, यहाँ पे हमें दिया है सैलरी वन दिन की ₹165, हमें 20 डे की सैलरी फाइंड करनी है, मल्टीप्लिकेशन 28। ओके, तो उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, 165 × 28। ओके, तो सेम प्रोसेस, 28 है ना, तो क्या करेंगे, 20 + 8। ओके, फर्स्ट हम 165 का 8 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर 20 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फर्स्ट 165 का 8 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो आंसर हमारा क्या होगा, 165 × 8, 5 = 40 होगा। ओके, 0 यहाँ पे 0 एज इट इज 4 यहाँ पे 6 को 8 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 48 + 4 क्या होगा, 52, 2 एज इट इज 5, 8 1 = 8। ओके, फिर हमें ऐड करना है 5 में, 8 = 13 होगा ना। ओके, तो 165 को 8 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया तो ये होगा हमारा आंसर, 0 2 3 1। ओके, अब हमें 165 को 20 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, तो यहाँ पे 0 जो लास्ट में है वो एज इट इज, और हम 165 को 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, फिर 2 × 10, 0 एज इट इज 1 कैरी, 6 × 12, 12 + 1 = 13, 3 1 कैरी, 1 × 2, 2 + 1 = 3, 0 3 3, अब एडिशन करेंगे, यहाँ पे 3 है। ओके, 0 + 0 = 0, 2 + 0 = 2, 2 + 0 = 2, 3 + 3 = 6, 1 + 3 = 4, तो हमारा आंसर ये होगा ना। ओके,
4620। ओके, तो आपको समझ में आई। कुक की जो सैलरी है वो वन दिन की 165, 20 डेज में उसकी सैलरी हमें फाइंड करनी है। तो 165 को 28 के साथ हमें मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारा आंसर 4620 हो। ओके, अगले वीडियो में हमें यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।